हाय गुड इवनिंग मैम। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ओके मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैट क्वेश्चन इज देखिएगा 22 क्वेश्चन नंबर हमारा था 22। इसके पहले वाला 21 तक हमने करा था। 22 का पहला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू 2 यहाँ से हम लोग पी निकालने की कोशिश करेंगे। पी बराबर होगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। एच का वैल्यू होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर रूट 3 लिखा हुआ था। यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अनुपात निकालें तो यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर होगा पी बटा एच। तो पी का वैल्यू आया है रूट 3 और एच का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे गिवन है 2। ओके तो हमारा पहला आंसर आया साइन थीटा। इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1 बटा सेक थीटा रिवर्स होगा। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पे बी बटा एच और जो होगा बी का वैल्यू है 1 एंड एच का वैल्यू है 2। इसके बाद देखिएगा हम लोग टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर पी बटा बी होंगे और बी का जो वैल्यू है वो गिवेन यहाँ पे आया है वो रूट 3 आया है और बी का जो वैल्यू है 1। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं रूट 3 डायरेक्टली। ओके इसके बाद हमारा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा हमारा एच बटा पी। तो एच का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे 2 है एंड पी का जो वैल्यू है रूट 3 आ रहा तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा सेक थीटा, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। और इसके बाद हमारा होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा होगा वी बटा पी। तो वी का जो वैल्यू आया है वहाँ पे 1 है और पी का जो वैल्यू आया है यहाँ पे रूट 3 है। तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। तो स्क्रीनशॉट मांगेगा। बाकी कुछ नहीं था, दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 2 यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें निकालना था। ठीक है तो हमने कुछ नहीं करा। सेक थीटा हमें पता था यानी हाइपोटेनस बाय बेस होता है यानी कि कर्ण बटा हमारा आधार होता था। हम लिख देंगे डायरेक्टली 2/1 लिख देंगे और इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा जो बचा साइन थीटा बचा कॉस थीटा बचा टैन बचा कॉसेक बचा और कॉट बचा। चलिए ठीक है इसका सेकंड क्वेश्चन 22 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है देखिएगा और आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर रेंज बढ़ाइए ताकि हम लाइव आ सके और लाइव आएंगे तो हमें बेहतर होगा और ठीक है और आपको भी थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि आप आसानी तरीके से देख पाइएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 थर्ड ओके यानी 22 का हम लोग सेकंड नंबर देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था दूसरा क्वेश्चन है sec थीटा। सेम क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 13/12। तो यहाँ भी वही लिखा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। ठीक है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे सेम चीज है बस अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। और जो भी चीजें हमें पढ़ा रहे हैं वो केसी सिन्हा का चीजें से है। हम लोग है ना आगे आने वाला टाइम में आने की अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। ये हमारा केसी सिन्हा सारी चीजें हैं। सेक थीटा आने के हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे फिर से 8/b बराबर 13/12 एंड एच का जो वैल्यू है वो 13 हो जाएंगे और बी का जो वैल्यू है वो 12 हो जाएंगे। तो जनरली अगर हम लोग यहाँ से पी निकालने की कोशिश करेंगे तो पी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा का रूट ओवर एच का स्क्वायर आने के 13 का स्क्वायर माइनस बी जो हमारा है यानी 12 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 का रूट ओवर आने के यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और जैसा ही 25 आएगा इसका जो वैल्यू आएगा बाहर 5/12 होंगे। ओके सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। एक दिया हुआ था निकालना है साइन थीटा। देखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी बटा एच आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिएगा। ठीक है रिकॉर्ड हम थोड़ा फास्ट बोलने वाले हैं क्योंकि फास्ट क्वेश्चन करेंगे। P का जो वैल्यू हमारा है यहाँ पे आया है 5
और एस का वैल्यू है वो दे रहा है। इसके बाद हमारा होगा साइन थीटा हो गया, उसके बाद हमारा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और जहाँ पे बी होगा बी यहाँ पे आया है 12 और एच जो है हमारा 13। इसके बाद हमारा टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर हमारा होगा पी बटा बी एंड पी का वैल्यू आया है वो आया है 5 एंड जो बी का वैल्यू है वो है 12। इसके बाद हमारा होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जब इसका अपोजिट होगा यानी एस बटा पी होंगे, और जो एस का वैल्यू है एस का वैल्यू 13 है एंड जो पी का वैल्यू है वो हमारा 5 है। ओके इसके बाद हमारा होगा कॉट थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा हो गया है और हमारे इसके बाद है सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, इसका लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हमारा होगा बी बटा पी। तो जो यहाँ पे बी का वैल्यू आया है, बी का वैल्यू है 12 एंड पी का जो वैल्यू है यहाँ पे आया है 5, हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा सारे का सारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 23 क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चंस में कोई ताकत नहीं है, फटाफट सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से बनेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी सीरीज हमें मतलब एक महीने में खत्म हो या 25 दिन में खत्म हो, टोटल क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 23 का एक ही क्वेश्चन इसमें है, वो क्वेश्चन है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर लिखा था यहाँ पे रूट 10 है, तो फाइंड आउट करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखिएगा, sec थीटा को हम लोग लिखेंगे, सॉरी cosec थीटा गिवन है, cosec थीटा का हम लोग लिखेंगे h बटा p बराबर √10 / 1, यानी कि यहां से h का जो वैल्यू आया है वो √10 होंगे और जो p का वैल्यू है वो 1 होंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर v निकालने की कोशिश करते हैं, v बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का रूट ओवर, h का जो वैल्यू यहाँ पे हमारा है √10 है, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, √10 का 10 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 9, 9 का वैल्यू जो आएंगे वो 3 आ रहा है। ओके सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, साइन थीटा निकालना है, देखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी बटा एच p का वैल्यू है 1 एंड h का वैल्यू है √10। इसके बाद हमारा cos थीटा है, cos थीटा बराबर b बटा h और जो b का वैल्यू आया है वो हमारा 3 आया है यानी 3 बटा √10। इसके बाद tan थीटा हम लोग निकालेंगे, tan थीटा p बटा b और जो p का वैल्यू है वो गिवन है 1 एंड b का वैल्यू 3 है, ठीक है। cosec थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे sec थीटा बराबर होगा h बटा b और जो s का वैल्यू है √10 है एंड v का वैल्यू 3 है। cot थीटा लिखेंगे हम लोग, cot थीटा का बोलेंगे b बटा p और जो v का वैल्यू है वो हमारा 3 आया है एंड p का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग जनरली 3 लिख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से था, यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और इससे हमें अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, तो मैंने सेम चीजों के अप्लाई करा था और इससे भी मैंने निकालने का तरीका थोड़ा अलग बताया था के मानने के तरीका से, लेकिन मैंने शॉर्ट करा है इस चीज को क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में है ना, यानी कि लेक्चर नंबर शायद वो लेक्चर नंबर मैंने नहीं लिखा था, क्वेश्चन नंबर में आपका शायद वो अटैच हो रहे होंगे 6-7-8 वाला जो सीरीज होगा उसमें हमने के वाले मेथड से बना करके दिखाया था, आप उसी तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने वीडियो को लंबा होने के बजाय इसलिए थोड़ा मैंने शॉर्ट भागा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 होगा, वो देखिएगा थोड़ा सा अब अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, हम कोई वीडियो एडिट वगैरह नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 का वन, इसमें क्वेश्चन नंबर है मतलब तीन क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है 10A लिखा है, 24 का वन है, 10A बराबर लिखा है इन्होंने √3/2 और देन फाइंड आउट करना हमें sin A plus cos A निकालना है, sin A plus cos A निकालना है, चलिए समझिएगा ध्यान से। तो गिवन चीजें है, यानी कि 10A दिया हुआ है, 10A को हम बोल सकते हैं p बटा b बराबर √3/2, तो हमें h निकालना है, h का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली हम यहां पे समझ सकते हैं p का वैल्यू जो है √3 है और b का वैल्यू जो है 2 है,
तो हम बोलेंगे पी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। पी का जो वैल्यू है वो रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री प्लस दो का स्क्वायर मतलब चार, एंड यहाँ पे जो आएंगे रूट सेवन, ठीक है। एस का वैल्यू रूट सेवन आया है, बाकी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन ए, साइन ए को हम लोग बोलेंगे पी बटा एच प्लस कॉस ए, कॉस ए को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बी बटा एच, बी बटा एच। एंड एलसीएम सेम होगा, एच ही आएगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे पी प्लस बी। तो समझिएगा p का जो वैल्यू यहाँ पे आया है, p का वैल्यू रूट थ्री है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट थ्री प्लस, एंड b का जो वैल्यू है वो टू है, एंड s का जो वैल्यू यहाँ पे रूट सेवन आया है, रूट सेवन लिख देंगे। ये हमारा आंसर। अगर आप ज्यादा खुश हो तो आप हर प्रमेयीकरण कर सकते हैं, तो कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 का सेकेंड क्वेश्चन वो होगा, हम इसी में कोशिश करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो लिखा था साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा, रूट थ्री कॉस थीटा। हम आगे बताएंगे इसमें निकालना क्या है, या फिर अभी लिख देते हैं, निकालना में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। हम आगे बता देंगे यहाँ पे फिलहाल, चलिएगा देखिएगा। साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, तो साइन थीटा यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा कॉस थीटा बराबर रूट थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर यहाँ पे आ गया रूट थ्री बटा वन, और टेन थीटा बराबर हमें पता है पी बटा बी बराबर रूट थ्री बटा वन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एस निकालेंगे तो वो होगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब बच्चे रहे नहीं डायरेक्टली, हमने अगर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे थ्री आएगा और यहाँ पे वन आएंगे, एंड हेयर यहाँ पे दो आ जाएगा, ओके। तो डायरेक्टली चार, चलिए अगर से पढ़ा दिया मैंने, चार का यहाँ पे कितना जाएगा, दो आ जाएगा। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना था। कॉस थीटा को हम लोग बोलेंगे बी बटा एच, एंड साइन थीटा को बोलेंगे पी बटा एच, और एलसीएम यहाँ पे जो होगा वो होगा एच, और नीचे होंगे बी माइनस पी। तो बी का जो वैल्यू है, चलिए देखिएगा, बी का यहाँ पे जो वैल्यू है वो आया है वन, एंड जो p का वैल्यू है वो रूट थ्री है, एंड यहाँ पे जो आ रहा होगा h का जो वैल्यू है वो दो है। एक हमारा आंसर, ओके। तो हमारा 24 का सेकंड भी हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आपको आंसर भी मिलाते जाइए, आपकी इच्छा है, और हम कोई आंसर को मिलाने नहीं गए हैं ना, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है उसी प्रोसेस के ऊपर है ना काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ते हैं, इसका मिटा दूं क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग का 24 का थर्ड, इन्होंने लिखा था tan थीटा, tan थीटा बराबर 8/15, देन फाइंड आउट हमें करना है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, फाइंड आउट करना है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। समझिएगा, tan थीटा को हम लोग बोलेंगे p बटा b बराबर 8/15। अगर हम यहाँ पे s निकालने लग जाएंगे, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 289, इसका आएगा 17, ओके। एक चीज कैलकुलेशन है, आप करते रहिएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 को 1 लिखेंगे, कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं बी बटा एच का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस जो b का वैल्यू आया है वो है हमारा पे 15, एंड यहाँ पे 17 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है एलसीएम यहाँ पे आएगा 289, एंड 289 के यहाँ 289 प्लस 225 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 9514, बाकी 1 8 2 10 1 11 2 2 4 1 5 514/289, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। इसमें कुछ कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया मेरा, 25 हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा है ना
एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ फॉर्मूला वगैरह है, आप जितना आसानी से इसको कर पाएंगे आप करने की कोशिश कीजिएगा। अभी 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें भी दो क्वेश्चन है लेकिन वो इजी क्वेश्चन है। देखिएगा 25 लिखा इन्होंने, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 लिखा था। तो पहला क्वेश्चन इनका ये है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या मान होगा, एंड दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। टोटल इन्होंने दो क्वेश्चन लिखा है, समझिएगा मान क्या होगा। लिखा था यहाँ पे कॉट थीटा, हम लोग लिखे हैं कॉट थीटा को बी बट्टा पी बराबर 7/8, एंड जो बी का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया, पी का वैल्यू 8 है, तो हम लोग एच का जो स्क्वायर होगा वो होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट होगा। 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, जब हम लोग जोड़ लेंगे 9 4 13, यहाँ पे 13 और 6 4 10 और 1 11, मतलब 100√13 में आएंगे, है ना। यहाँ पे देखिएगा 7 49 88 64 9 4 13 6 4 10 11। पहला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 1 प्लस cos थीटा सॉरी 1 प्लस sin थीटा। अगर यहाँ से आप ग्रोथ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 1 प्लस यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, जो हम लोग बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हम लोग का एलजेब्रा का फॉर्मूला है। नीचे यहाँ पे होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बस अब हम यहाँ पे चीजें लिख देंगे। तो 1 को हम लोग 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं पी बट्टा एच का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो थीटा हमारा होगा वो होगा बी बट्टा एच का होल स्क्वायर। चलिए समझिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी का जो वैल्यू है हमारा 8 है, एंड एच का जो वैल्यू है हमारा 1 बट्टा यानी 113 का रूट ओवर का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस बी का जो वैल्यू हमारा है वो हमारा 7 है, एंड बट्टा 113 का रूट ओवर का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे यानी 1 यानी 88 का 64 और 113 का जो स्क्वायर यानी रूट से बाहर सिर्फ निकल जाएगा, मेन बट्टा यहाँ पे आएंगे 1 माइनस 77 का 49 बट्टा 113, ये हमारा 49 है, समझिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अगर हम ऊपर चले जाते हैं इसके नीचे का कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा, अगर एलसीएम इसका लेते हैं तो 113 आएगा, एंड 113 माइनस 64 एंड नीचे तो यहाँ पे होंगे 113 माइनस 49 बटा 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, और अगर 113 में से अगर 64 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 49 और इसको यहाँ पे बचेगा 64, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन सेकंड नंबर को हम थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट का जो वैल्यू है हमारे पास वो 7/8 है का होल स्क्वायर होगा, और 7/8 का मतलब 77 का 49 और 88 का 64, सेम था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीटेड हुआ हमारा 25 तक, ठीक है। इसके बाद 26 में दो क्वेश्चन है, तो हम लोग अगले दिन देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा, तब तक के लिए जय हिंद।